Also, सब लोग ये पूछ रहे हैं कि लेडीज ज्वेलरी में आप क्या कर रहे हो बट आई थिंक आई वॉज द ओनली गाय दे वॉन्टेड समवन टू स्टार्ट द शो सो आई एम वेरी हैप्पी एंड प्रिविलेज दैट आई एम हियर फॉर द हाँ एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होता है कि मेरे से सब बोलते हैं मुझे आप 10,000 लोगों के सामने नचवा लो वो इजी है वो चलना खाली थोड़ा अजीब लगता है एंड प्लस आई थिंक इफ आई एम अ डांसर एंड एन एक्टर आई हैव टू ऐड माई टच सो डिड यू लाइक इट थैंक यू मतलब हमारा काम ही यही है बट मुझे नर्वस तो मैं थोड़ा होता हूँ बिकॉज आई एम ऑल्सो नॉर्मल बट द वे आई गेट रिड ऑफ माई नर्वस एनर्जी इज आई स्टार्ट डांसिंग सो या आई लाइक डांसिंग जी आपकी कमाई से पहली ज्वेलरी क्या खरीदा था और मैंने एक छोटा सा पेंडेंट गिफ्ट किया था बिकॉज उस टाइम पे मैं खाली वो अफोर्ड कर सकता था 16 साल की उम्र में व्हेन आई बिकेम असिस्टेंट डायरेक्टर तो कुछ 800,000, 1,500, 2,000 में वही सब आता है जिन थोड़ा सा अपने लिए भी बचाऊंगा ना जैसे आपने कहा कि वो क्या सरप्राइज होगा जो इतने दिन आप गायब थे अपने लिए मतलब मैं तो पहनता नहीं हूँ पेंडेंट वेंडेंट बट मॉम के लिए और सिस्टर के लिए बाकी मैं नाम लूंगा नहीं क्या क्या सरप्राइज होगा क्या जैसे आपने कहा कि मैं कहाँ था वो आपको बाद में पता चलेगा हाँ। ऐसा कुछ सरप्राइज होने वाला है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है बस हम फिल्में ही करते हैं और कुछ आता और कुछ आता ही नहीं है सो मैं एक फिल्म के प्रेपरेशन के लिए थोड़ा बिजी था जो शुरू होने वाली और फेब में रिलीज होगी तो आप जब आएगी तब आप देखोगे लुक भी उसी फिल्म को लेकर है क्या हाँ थोड़ा सा कुछ बताना चाहेंगे मैं फिल्म के बारे में अभी बताऊंगा तो आप लोग तभी बात नहीं करोगे देखो दादा मैं जानता हूँ थैंक यू सो मच हमारे जरिए हमारे कैमरा के जरिए क्या आप उन लोगों को एक मैसेज देना चाहेंगे जिनके वजह से गवर्नमेंट को नुकसान होता है मैं बस ये कहना चाहूंगा कि टैक्स भरिए अच्छा होता है एंड आई नो पीपल ट्राई टू सेव मनी बिकॉज दे वांट टू सिक्योर देयर फ्यूचर बट आई थिंक देयर आर अदर बेटर वेज टू सिक्योर देयर फ्यूचर बट आई डोंट थिंक वी शुड पॉइंट अ फिंगर इफ वी आर सेल्फ समवेयर आर यू नो मेकिंग फ्लॉज और यू नो मेकिंग मिस्टेक्स एंड आई जस्ट फील दैट हम में से कोई चुन के वहां जाके बैठता है तो हम सब में ये प्रॉब्लम है तो हम सबको मिलके कुछ करना चाहिए थैंक यू